निर्भया के दोषी विनय ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तो विनय ने सेल की दीवार पर सिर मारकर खुद को घायल किया है। विनय के सिर पर एक मामूली सी चोट आई है। 3 मार्च को सुबह 6 बजे दोषियों को फांसी होनी है, जैसा कि नया फिलहाल डेथ वारंट सामने आया है। लेकिन उससे पहले विनय, जो निर्भया का एक दोषी है, उसने अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की है यहां पर। और अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, क्या ये अभी भी कोशिश यहां पर फांसी से बचने की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले भी सुनवाई के दौरान विनय के वकील ने पक्ष रखा था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पिछले काफी दिनों से विनय जो है वो कुछ खा पी नहीं रहा है और इसका हवाला जो है उन्होंने कोर्ट में दिया था विनय के वकील ने। अब जो है कहीं ना कहीं मामले को आगे बढ़ाने की कवायद हो रही है। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर फैसला देगा कि इन दोषियों को एक एक करके फांसी दी जा सकती है या नहीं। क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ किया था कि एक केस से रिलेटेड जितने भी गुनहगार हैं उन सब गुनहगारों को एक साथ ही फांसी दी जा सकती है। जी बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।